हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट विवेक और आप ये जो मोर देख रहे हैं बजरंग बली के चरणों में बैठा हुआ है, गणेश जी के चरणों में बैठा हुआ है। इसको चोट लगी हुई है और देखिए कैसे भगवान की शरण में आके बैठा हुआ है। और ये पिछले 2-3 महीनों से श्याम लाल इंटर कॉलेज पढ़ता है आपका सफदरगंज में। वहाँ आके मैडम, प्रिंसिपल मैडम जो है उनके डेस्क पर बैठता था, उनके पास घूमता था, रहता था। और इसको जब चोट लगी है तब से ये जाके जो है भगवान के पास बैठा हुआ था। उसके बाद जो मैडम ने सूचना दी हम लोगों को, जीव उत्थान सेवा समिति को सूचना दी और हम लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग से कर्मचारी लोग आए और इस मोर को पकड़ने की कोशिश करने लगे। और ये मोर जो है इसकी देखिए पीठ पर उभरा उभरा सा दिख रहा है। ये इसको किसी जानवर ने इसको पकड़ने की कोशिश की है, चाहे बंदर हो, इसका घाव हो गया है, इसलिए इसके पैर में भी प्रॉब्लम है और ये चल नहीं पा रहा है। चूँकि राष्ट्रीय पक्षी है तो इसमें पूरी एहतियात के साथ विभाग को सूचना दी गई। देखिए मोर उड़ के चला गया, पकड़ने में नहीं आ रहा। लेकिन जब मैडम ने बुलाया इसको, इसका नाम उन्होंने पिंकू रखा हुआ है पैर से, पिंकू को बुलाया तो ये फिर धीरे धीरे मैडम के साथ इनके ऑफिस में आ गया। फिर हम लोगों ने आकर इसको जो है ध्यान से देखा, इसको चोट कहाँ से लगी है। फिर इसको पकड़ा गया और इसको बहुत बारीक अवलोकन किया गया है इसके पूरे शरीर का, कहाँ कहाँ इसको चोट लगी, कहीं मैगेट्स तो नहीं पड़े, क्योंकि इसका पर जो है उखड़ा हुआ है, ऐसे उभरा उभरा सा लग रहा था, जैसे किसी बंदर या किसी कुत्ते उत्ते ने इसको पकड़ा होगा, तो इसलिए इसका उहार बना हुआ था। तो उसको देखा गया बहुत ही बारीक तरीके से और कितना शांत है, देखिए शांति से बैठा, क्योंकि इसको भी लग गया ना कहीं हम लोग इसकी मदद करने के लिए आए हैं। जानवरों को बहुत पता होता है कौन मेरा हितकारी कौन अहितकारी है। तो कितनी शांति से बैठा हुआ है और मैडम भी देखिए इतने प्यार से इसको सहला रही हैं, ये बहुत ही प्यारा है। फिर इसको देखा गया कि इसकी जो स्किन जो है वो रीढ़ की स्किन जो है वो उखड़ के पलट गई है, इसीलिए जो उस पर पंख लगे हुए थे वो भी पलट गए हैं, इसलिए वो उभरा उभरा सा दिख रहा था। तो काफ़ी दूरी में घाव था तो उस पर जो है स्प्रे कर दिया गया एंटीबायोटिक का, और इसके अलावा भी उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो उसके घाव को पूरा कर देंगे। इसीलिए पैर से लंगड़ा कर चल भी रहा था और ये प्रॉपर उड़ भी नहीं पा रहा था, उड़ रहा था लेकिन प्रॉपर नहीं उड़ पा रहा था। तो इसको हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद जो है इसको उसी कमरे में मैडम के पास थोड़ी देर छोड़ दिया, पानी वानी पिला के। देखिए आशीष भाई हमारे बहुत सेवा करते हैं आप भी जानवरों की, और वन विभाग से जो दादा अवधेश यादव जी ने बहुत हेल्प करी हम लोगों की। और इस मोर को जो है इस विद्यालय परिसर में ही रखा गया क्योंकि मैडम के पास ये आ जा रहा था प्रॉपर 2 महीने से 1.5 महीने से, वो खाना पीना दे देती थी अपना, फिर जंगल में चला जाता था। तो बहुत 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 साथी विद्यालय परिवार का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।